नमस्कार, बीएनएन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते खबरों की ओर। सड़क निर्माण से ग्रामीण को हो रही परेशानी, घरों में घुस रहा है पानी। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत लामता के चमन नगर से बैहर पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य एमपीआरडीसी द्वारा किया जा रहा है, जिसके तहत लामता के चमन नगर में सीसी रोड का कार्य निर्माण किया जा रहा है। निर्माण अधीन सड़क के ऊंचे होने के चलते बारिश का पानी सड़क से लगे ग्रामीणों के लगभग आसपास के एक सैकड़ा से भी अधिक मकानों में जल भराव होता है, जिससे यहां निवास करने वाले ग्रामीणों को भारी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की परेशानियों की खबर लगते ही पूर्व विधायक मधु भगत द्वारा तत्काल मौका स्थल पर मुआयना किया गया। वहीं इसी दौरान मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के संभाग आयुक्त से दूरभाष से चर्चा कर सड़क के दोनों ओर नालियां निर्माण कराए जाने के संदर्भ में चर्चा कर निर्देश दिए गए। इस दौरान स्थल मुआयने के दौरान पूर्व विधायक मधु भगत द्वारा सड़क निर्माण कार्य कर रही निर्माण एजेंसी के ठेकेदारों को बुलाकर सड़क निर्माण के चलते आमजन को जो परेशानियां हो रही है उससे अवगत कराया गया तथा तत्काल ग्रामीणों को हो रही समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश निर्माण एजेंसी को दिए गए। इस दौरान परसवाड़ा लामता ग्रामीण सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। जैसे कि चमन टोला में हमारे लगभग 60 घर हैं। चमन टोला बस्ती के अंदर भोंडवा पंचायत के अंतर्गत लामता से जो रोड का निर्माण चालू हुआ है, 52 किलोमीटर ये रोड है, 52,800 ये बैहर टू चमन टोला लामता के लिए रोड निर्मित का एमपीआरडीसी की तरफ से टेंडर हुआ है। चूँकि यहाँ रहवास में रोड का निर्माण हो रहा है और रोड ऊँची बनी हुई है और साइड में पूरे घर हैं, कहीं ना कहीं पे बरसात का पूरा पानी लोगों के घरों में घुसेगा। इस विषय में मुझे यहाँ की जनता ने बुलाया। रोड पर काफ़ी अनियमितताएँ हैं ऐसा जनता का कहना है और देखा भी गया है। इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी हुई है यहाँ पर जो कार्यरत हैं, काम करने वाले हैं? निश्चित तौर पर मैंने अभी एमपीआरडीसी के अधिकारी से संपर्क किया, मिस्टर आड़े, उनको मैंने सारी चीज़ों की यहाँ की जानकारी उनसे ली और यहाँ की जानकारी उनको दी कि रोड की किस क्वालिटी का निर्माण होना चाहिए, रोड कैसी होनी चाहिए और रोड के आसपास जो पब्लिक जहाँ रहवास इलाका है वहाँ पे उसकी व्यवस्था क्या रखनी चाहिए। तो उनकी जानकारी में आया कि रोड का लेवल हमने इतना रखा हुआ है कि लोगों के घर में पानी नहीं घुसेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि रोड इस वक्त मकानों के ऊपर है तो निश्चित तौर पर पूरा पानी लोगों के घरों में घुसेगा। ये उनको मैंने यथार्थ यहाँ की वीडियो के माध्यम से और यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर मिस्टर उदय उनको भी साक्षात दिखाया और जनता ने भी बोला है। मैंने उनको ये, चूँकि मैं आदेश दे नहीं सकता, लेकिन मैंने एक निवेदन उनसे किया हुआ है मिस्टर आड़े से, एमपीआरडीसी से, कि आप जहाँ तक रहवास से वहाँ तक दोनों साइड रोड के नाली का निर्माण करें, पक्की नाली का निर्माण करें और अगर कोई टूट फूट किसी घर की कोई परेशानी है तो उसको कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदारी ले और उसको समाधान करे। रहा सवाल अनियमितताओं का, तो निश्चित तौर पर जब काम होते हैं तो अनियमितताएँ होती ही है। जागरूक नागरिक की तरह और जागरूक जनप्रतिनिधि की तरह हम लोग कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ अनियमितता है उसका हम पूरा चेक करेंगे, सर्वे करेंगे और जहाँ अनियमितता है वहाँ पे कटघरे में ठेकेदार भी खड़ा होगा और प्रशासन भी खड़ा होगा। बैहर से लामता सड़क का नवीनीकरण हो रहा है एक प्रकार से, तो इसमें जो सड़क पहले बनाई गई थी उसको खोद कर सड़क का निर्माण करना चाहिए था या सड़क के ऊपर ही सड़क बना देनी चाहिए थी, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है नहीं होता है? देखिए, सड़क का निर्माण जब होता है, नवीन सड़क का निर्माण होता है तो निश्चित तौर पे पूरी बोल्डर सोल्डिंग के साथ उसके ऊपर हर वो टेक्निक यूज़ की जाती है जो रोड की एक क्वालिटी और उसकी उपयोगिता मजबूती की तरह वो लॉन्ग टाइम चले। लेकिन ये जो सड़क है ये पुरानी सड़क है और इसमें पहाड़ी इलाका भी करीब करीब 12-13 किलोमीटर का यहाँ है और 5-6 किलोमीटर का हमारा बगोली के पास से पहिया में लगता है। तो इनको समस्याएं, इनकी समस्याओं से हमें मतलब नहीं, हमें तो रोड चाहिए और क्वालिटी वाली चाहिए। इन्होंने जिस रोड का ये निर्माण किया मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि भोंडवा से लेकर के ये इन्होंने जो पहाड़ी टच होती है, जो हमारी ऊपर जो चढ़ाई होती है वहाँ तक रोड खुदी भी थी, लेकिन कुछ जगह पर रोड खुदी नहीं थी जहाँ पर मरुमीकरण का काम कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अनियमितताएँ तो हुई है, इसमें कहीं नहीं नकारा जा सकता और इस अनियमितताओं के लिए एक हाथ हम लोग सब लोग जनप्रतिनिधि लोग मिलकर के इसका निश्चित तौर पर कोई ना कोई निराकरण निकालेंगे और ठेकेदार की शिकायत भी होगी इसमें। ठीक।